हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इमेज के पीछे टेक्स्ट कैसे लिखें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉक को ओपन करेंगे। तो लॉक को ओपन करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल में जाएंगे और क्लिक करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये ऑटोमेटिक ये इमेज को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे इसको। कॉपी करने से देख सकते हैं आप इमेज ये कॉपी हो चुका है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोई भी टेक्स्ट। सपोज कीजिए मैं इमेज लिख रहा हूँ, इसको हम लोग थोड़ा साइज में बड़ा कर लेंगे। और इसको हम लोग ड्रैग करके नीचे लाएंगे और कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसको हम लोग साइज बड़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये पीछे हो गया है। एक दूसरा तरीका है, चलिए हम लोग दूसरे तरीके से भी सीख लेते हैं। जो दूसरा तरीका है, सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देंगे इमेज को, ये जो कॉपी पेस्ट हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और टेक्स्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग मास्क लेयर क्रिएट करेंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं ये पीछे हो गया इमेज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।